हम आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक 100 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक प्राप्त होते हैं। अब वो आचार्य भर्तृहरि रचित हैं या किसके द्वारा हैं, इनका भी निर्णय नहीं है। तो कतिपय जो श्लोक है किसी पाठ्य पुस्तक में वो पूर्व में प्राप्त हो जाता है, कहीं पर वो अलग से हो जाते हैं। तो हमें लगभग 125 श्लोक प्राप्त होते हैं नीति शतकम में। 100 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं, अब हम 101वें श्लोक से आरंभ करेंगे। और जैसे कि आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा कि जिस श्लोक में किस चीज का भाव का वर्णन है, तो संबंधित श्लोक को हम उसी में समाहित कर सकते हैं। जैसे कि यदि सज्जन का वर्णन है तो सज्जन पद्धति, दुर्जन का वर्णन है उसमें तो दुर्जन पद्धति, यदि किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का वर्णन है तो उसे मानसौर्य पद्धति में, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ अध्ययन किया है। जैसा कि यह ध्यान भी रखना है कि स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, और जिसमें प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ रूप से अभी आता है, तो उस दृष्टि से आपको श्लोकों के भाव को गहन रूप से समझना है। और वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के वो कैसे भी पूछ ले क्वेश्चंस को, तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उनमें से आपको चयन करना है। इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़े और यह देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है कवि। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे 101वें श्लोक से। मज्ज तो अंभसि या तो मेरु शिखरम शत्रुंजयात्वावे वाणिज्यम कृषि सेवनादि सकला विद्या कला शिक्षितम आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयत्नम परम नाभाव्यम भवति हि कर्म वशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। यहाँ पे कवि क्या प्रतिपादन करना चाह रहे हैं कि जो संसार में जो कुछ होना है, जो कुछ लिखा हुआ है, जो होनी है वो होकर रहती है, और जो अनहोनी है वो कभी नहीं होती। देखिए क्या कह रहे हैं, अंबसी मज्जतु, अंबसी माने जल में, मज्जतु माने डुबकी लगाए। कोई व्यक्ति चाहे वो जल में डुबकी लगाए, मेरु शिखरम या तो या सुमेरु पर्वत के शिखर पर चला जाए, शत्रुन जयतु आहवे या आहवे या युद्ध में शत्रुन माने शत्रुओं को, जयतु माने जीत ले, या तो जल में डुबकी लगाए या सुमेरु पर्वत के शिखर पर चला जाए या युद्ध में शत्रुओं को जीत ले। वाणिज्यम कृषि सेवने च, वाणिज्य करे यानी व्यापार करे, कृषि सेवन खेती करे या सेवन नौकरी आदि कोई भी कार्य करे। सकला विद्या सारी विद्याओं में, कलाओं में, कला कलाओं को शिक्षिता माने सीख ले, सारी विद्याओं को सारी कलाओं को वो सीख ले। फिर भी क्या हो रहा है, और आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयत्नम परः, खगवत माने पक्षी की तरह प्रयत्न करके, परम प्रयत्नम कृत्वा, परम माने अत्यधिक, प्रयत्नम माने प्रयत्न को, कृत्वा माने करके क्या करे वो, खगवत पक्षी की तरह विपुलम माने विस्तृत आकाशम प्रयातु आकाश में चला जाए, या वह पक्षी की तरह प्रयत्न करके बहुत अधिक प्रयत्न करे तो भी क्या करे वो आकाश में चला जाए, इतना वो कर ले तब भी क्या कह रहे हैं, कर्म वशतः क्या कह रहे हैं, इस कर्मों के प्रभाव से, इह माने इधर इस संसार में, भवती इह वहां दिख रहे, तो इह माने इस संसार में, कर्म वशतः कर्मों के प्रभाव से अभाव्यम यानी जो अनहोनी है, जो नहीं होना चाहिए वो, न भवती कभी नहीं होती, और भाव्यस्य जो कुछ लिखा है, जो कुछ घटित होना है, जो आपके भाग्य में है, वह तस्य नाशः कुतः, उसका नाश कहाँ होता है यानी उसका नाश नहीं होता। जो कुछ लिखा है उसका, जो कुछ होना है वो होकर रहता है, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये कहते हैं ना होनी होकर रहती है, तो ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। अब क्या भाव है इसमें कि कोई व्यक्ति है वो अंबसी माने जल में डुबकी लगा ले, खूब चाहे जल में डुबकी लगा ले, कोई समुद्र है उसमें रत्नों को प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास कर ले, लेकिन यदि उसके भाग्य में नहीं तो उसे कोई रत्न प्राप्त नहीं होता। चाहे वो मेरु सुमेरु पर्वत के शिखर पर चला जाए, यानी यदि वो सुमेरु पर्वत पे भी चला जाए तो भी उसे स्वर्ण की प्राप्ति, यदि उसके भाग्य में नहीं है तो उसे वो नहीं मिलेगी। वो शत्रुओं को जीत ले आवे युद्ध में, वह चाहे वो शत्रुओं को जीत ले, युद्ध में उसने शत्रुओं को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर लिया, तो अभी बहुत अधिक उसका कुछ
हो जाएगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि उसके भाग्य में जो कुछ लिखा रहेगा उसे उतना ही मिलेगा। वाणिज्य करे, कृषि करे, नौकरी करे या विभिन्न कलाओं में शिक्षित हो जाए, लेकिन उसके भाग्य में जितना है उतना ही उसे लाभ मिलेगा, उतना ही उसे उन्नति मिलेगी, उतना ही उसे चीजें मिलेगी। आकाशम पिपलम प्रायतु खगवत कृत्वा पर प्रत्यम परम, यदि बहुत अधिक प्रयत्न करके भी आकाश में पक्षी की तरह उड़ जाए तो भी उसे जितना प्राप्त होना उसके भाग्य में जो है उसे वही मिलेगा। इसलिए कर्म वसता इस संसार में, यानी जो कर्मों के अधीन है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके तदनुरूप फल मिलता है, उसके भाग्य में उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। ये हम पहले भी देखते आ रहे हैं, कर्म पद्धति भी देखा हमने पहले, उससे पूर्व दैव पद्धति यानी भाग्य पद्धति का भी अध्ययन किया, तो यही बात आती है। और कहना चाह रहे कवि कि इस संसार में जो कुछ होना है वो होकर रहता है और जो कुछ नहीं होना वह कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि अच्छे कर्म करे, और उन जो व्यक्ति कर्म करेगा बुरे तो भी उसे फल भोगना पड़ेगा अच्छे का भी, तो यदि सत्कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल प्राप्त होगा, उसे पुण्य अर्जित होगा और वह उसके लिए भविष्य में भी सुखदायी और आनंददायी होगा। इसलिए जो व्यक्ति के कर्म में जैसा लिखा है उसे वो मिलेगा, जो उसकी होनी है मतलब जो होके रहती है, इसलिए उसे धैर्यहीन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भाव भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को हमने देखा। यहाँ पे नीचे जो बात कही गई है यानी सामान्य से समर्थन होने से अर्थांतरण्यास अलंकार है और शार्दूल विकीर्तम छंद यहाँ पर है। सूर्यास वैदे यदि महासजौ सप्तकः शार्दूल विकीर्तम, डिटेल में आप देख सकते हैं, अलग से मैंने डाला हुआ है। अगला श्लोक देखो। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वे जनाः स्वजनतां मुपयान्ति तस्य, कृष्णा च भूर भवति सन्निधि रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास में पूर्व जन्म किया हुआ पुण्य है, व्यक्ति ने यदि कुछ अच्छे कर्म किए और पूर्व जन्म का उसका पुण्य है तो उसके सभी लोग अपने हो जाते हैं, उसे सारी चीजें अपने आप मिल जाती सहज ही स्वाभाविक रूप से। बहुत ही सुंदर श्लोक में भाव है, देखिए। यस्य नरस्य विपुलम, यस्य नरस्य नीचे लाइन में देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन में यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति, जिस मनुष्य का, यस्य नरस्य जिस मनुष्य के पास विपुलम माने अत्यधिक, पूर्व सुकृतम माने पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य, अस्ति माने है, यदि ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पूर्व जन्म में अर्जित कोई पुण्य है तो क्या होता है उसके लिए, तस्य ऊपर वाली पंक्ति से आ जाओ, तस्य भीमं भनं भवति पुरं प्रधानम, उसके लिए क्या हो जाता है, भयंकर जंगल भी, भीमं भनं भयंकर जंगल भी प्रधानम पुरम उत्तम नगर हो जाता है उसके लिए। सर्वे जना सौ जनताम उपयान्ति, सर्वे जना यानी सभी लोग उसकी स्वजनताम को यानी आत्मीयता को उपयाति माने प्राप्त हो जाते हैं, और कृष्णा भू संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए कैसी हो जाती है, सन्निधि रत्नपूर्णा, रत्नपूर्णा निधि, निधि रत्नपूर्णा उत्तम निधियों से और रत्नों से पूर्ण हो जाती है। तो जिस मनुष्य के पास में अत्यधिक पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य होता है उसके लिए भयंकर जंगल भी उत्तम नगर बन जाता है, सारे लोग उसकी आत्मीयता को प्राप्त कर लेते हैं, सभी लोग उसके आत्मीय हो जाते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए रत्नों से, बहुमूल्य रत्नों से, मणियों से, निधि से, ऐश्वर्य से आदि से सब उससे पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे वही पूर्व वाले श्लोक की जैसे भाव है कि व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए और जैसा यदि पुण्य कर्म यदि अर्जित करेगा तो उसको अच्छा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यही भाव यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं। बसंत तिल का छंद है, काव्य लिंग अलंकार है। अब देखिए आगे अगला श्लोक। को लाभो गुणी संग महाकिम सुखम प्राज्ञे तरहि संगति का हानि समय चुतिर निपुणता का धर्म तत्वे रति का सूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किम धनम विद्या किम सुखम विद्या किम सुखम प्रवास गमनम राज्यम किम आज्ञा पालनम और आज्ञा फलम। यहाँ दिया, यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्न, बहुत ही सरल नहीं है, समाज से ऐसे नहीं है, छोटे छोटे पद प्रयुक्त किए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इनका जो अत्यंत सुंदर निरूपण है प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से किया गया है। क्या कह रहे हैं,
लाभा को लाभा, लाभा माने लाभ, कहो माने क्या है, क्या चीज है जो लाभकारी है। तो लाभ किसमें है, गुणी संगमः, गुणवानों की संगमः माने संगति, जो सदगुणी है उन व्यक्तियों की संगति ही सबसे बड़ा लाभ है। केम सुखम, केम असुखम, इसमें से निकलेगा असुखम यानी सुख का अभाव, यानी दुख क्या है, असुखम किम। तो क्या कहना चाह रहे हैं, सुख का अभाव अर्थात दुख क्या है, प्राज्ञ इतर ही संगति, ये प्राज्ञ यानी विद्वान उनसे, इतर यानी मूर्खों के साथ में संगति माने संगति करना। सबसे बड़ा लाभ क्या है, गुणवानों की संगति, और सबसे बड़ा असुख या दुख क्या है, यहाँ पे कहना चाह रहे मूर्खों के साथ में संगति। का हानि, हानि क्या है, समय च्युति ही, समय को व्यर्थ में गवा देना, समय नष्ट करना हानि है। निपुणता का, और निपुणता क्या है, धर्म तत्व रति ही, धर्म के तत्व में रति माने प्रेम रखना। हानि क्या है, समय को व्यर्थ गवा देना। निपुणता यानी दक्षता क्या है, धर्म के तत्व में रति रखना। कह सूरो, सूरवीर कौन है, विचितेंद्रिया इंद्रियों को जीतने वाला। प्रियतमा का, प्रेमिका कौन है, अनुव्रता माने अनुकूल आचरण करने वाली, प्रियतमा कौन है जो अनुकूल आचरण करे। धनम किम, धन क्या है सबसे बड़ा व्यक्ति का, विद्या, जैसा कि हम पहले देखते हैं सर्वम सबसे प्रधान धन है विद्या। न चौरहारम न च राजहारम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। तो सबसे बड़ा धन क्या है, विद्या। किम सुखम, तो सुख क्या है, अप्रवास गमनम, परदेश में नहीं जाना, यानी अपने ही देश में रहना, अपने लोगों के पास में रहना। तो प्रदेश, परदेश में नहीं जाना अप्रवास गमनम यह सुख है। और राज्यम किम, और सबसे बड़ा, और राज्य क्या है, आज्ञा फलम, आदेश का पालन, यानी सबसे बड़ा राज्य जिसका है, राजा है, उसकी सबसे बड़े राज्य का मतलब क्या है उसके पास सुख, कि उसकी आज्ञा को सभी मानते हो। यदि उसकी आज्ञा को कोई नहीं मानता है तो यह वह तो राजा कह लेने के अधिकारी नहीं है, और उसके लिए वैसे कोई देखा जाए तो कोई सुख नहीं है। तो राज्य क्या है, आज्ञा का पालन, आदेश का पालन। तो अत्यंत छोटे छोटे शब्दों में बहुत ही सरल श्लोक है, पढ़ते ही हमको अर्थबोध हो जा रहा है। ठीक है, साधु भी एकदम छंद है इसमें। अगला देखो लगभग ऐसा शायद श्लोक पहले भी आया है या नहीं, तो कई बार किसी और पुस्तक में देखा होगा, आगे पीछे होता है। तो कोई इसमें किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का, तो इसे हम मानसौर्य पद्धति में भी उद्धृत कर सकते हैं। यदि आपके पास मानसौर्य पद्धति का, जैसे कि अभी तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यदि कभी हमें लिखना हो कि भर्तृहरि के द्वारा विद्युत पद्धति में क्या अनुरूपण किया है, या मानसौर्य पद्धति में क्या है, दैव पद्धति में उन्होंने क्या चित्रण किया, अर्थ पद्धति में क्या है, तो ये मानसौर्य पद्धति में जा सकता है। मालती कुसुमस्यैव द्वयी गति ही मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य चीर्यते वन एव वा। तो स्वाभिमानी मनुष्य को जो जीवन है वो क्या पसंद करता है, वो कैसा स्वभाव होता है, उसका प्रतिपादन करते हुए कवि कह रहे हैं। इह गति, इह तो वहां देखो, इह माने इस संसार में मनस्विनः, जो स्वाभिमानी मनुष्य है, जो मनस्वी है, उसकी कैसी गति होती है। मालती कुसुमस्य, उसकी मालती पुष्प की तरह द्वे गति ही। वहां पे हमने शायद देखा था पहले कुसुम स्तवकस्य, माने फूलों के गुच्छे के समान। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, मालती कुसुमस्य, तो स्वाभिमानी जो मनुष्य होता है उसकी मालती पुष्प की तरह द्वे गति, दो प्रकार की स्थिति होती है। इस संसार में जो स्वाभिमानी पुरुष है उसकी मालती पुष्प की तरह दो प्रकार की स्थिति होती है। मूर्धनी व सर्वलोकस्य, या तो क्या होता है वो सर्वलोकस्य माने संपूर्ण लोगों के सिर पर, सर्वलोकस्य संपूर्ण लोक में सभी लोगों के मूर्धनी माने सिर पर रहता है। अथवा वने सीर्यते एव, वन में ही सीर्यते माने नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। जैसे पुष्प का स्वभाव होता है वो क्या होता है, या तो सभी के भगवान के शीश पे चढ़ता है, या कोई जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको पुष्प माला आदि पहनाते हैं तो उससे उनको शोभा बढ़ाता है, अन्यथा क्या हो जाता है, वो वन में ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति अपना जो आचरण करते हैं, जो अपना कर्म करते हैं, उससे वो या तो सभी के प्रशंसित होते हैं या अपने आप ही एकदम गुमनामी में ही जीवन यापन कर देते हैं। लेकिन किसी के आगे कोई बुरा काम करना या कोई ऐसे कि किसी के आगे झुक जाना, ऐसा कार्य वो नहीं करते। ठीक है, तो स्वाभिमानी लोग या तो अपना स्वभाव से
यानी आत्मज्ञानी जन कैसे होते हैं, सबके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं और लोग उनके स्वभाव से परिचित नहीं होते, या दूसरी स्थिति है वे एकांत वन में ही बिना किसी को अपना परिचय दिए वही जंगल में अपना जीवन यापन कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या कहना चाह रहे हैं, मनस्वी जन सम्मान पूर्वक जीवन यापन करते हैं, सम्मान से रहते हैं, किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने पर वे जीवन त्याग भी देते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो भाव यहाँ पे अनुष्टुप छंद है और पूर्णोपाल अलंकार है। एक और देख लेते हैं, अप्रिय वचन दरिद्र ही, प्रिय वचनाढ्य ही, स्वदार परितुष्ट ही, पर परिवाद निप्रत ही, क्वचित क्वचिन मंडिता वसुधा। यहाँ पर किसी सत्पुरुष के किसी सज्जन पुरुष के लक्षणों को बताया गया है, तो इसे हम सज्जन पद्धति में भी ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं, अप्रिय वचन दरिद्र ही, अप्रिय माने जो कटु वचन है जो दूसरे को प्रिय नहीं, ऐसे वचनों में दरिद्र ही माने जो दरिद्र है, यानी ऐसे वचन को जो नहीं बोलते, कटु वचनों का प्रयोग करने में जो दरिद्र है, यानी जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बहुत ही कम वो क्या करते हैं, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करते, किसी को वाणी से कभी कष्ट नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, क्या करते हैं। और दूसरी चीज, प्रिय वचनाढ्य ही, प्रिय वचनों के जो आढ्य माने धनी है, जो प्रिय वचनों के धनी है अर्थात सदैव हर किसी के साथ में वो सदैव प्रिय वचन बोलते हैं, उनको आनंदित करते हैं। स्वदार परितुष्ट ही, स्व माने अपनी ही, दार माने पत्नी में ही, जो परितुष्ट है माने संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहते हैं। पर परिवाद निवृत ही, पर माने दूसरे के, परिवाद माने निंदा से, जो निवृत माने मुक्त रहते हैं, दूसरों की निंदा से जो पूर्णतया मुक्त रहते हैं, ऐसे सज्जनों के द्वारा पृथ्वी क्या होती है, क्वचिन क्वचिन मंडिता, क्वचित क्वचित माने कहीं कहीं पर, यानी बहुत ही कम, मंडिता माने सुशोभित होती है, यानी ऐसे सज्जन व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, अप्राप्य है, जो क्या है, अप्रिय वचन बोलते हैं कम, वो अप्रिय वचनों का प्रयोग ही नहीं करते, ऐसे सज्जन व्यक्ति पृथ्वी पर बहुत कम है, जो कभी किसी के प्रति अप्रिय वचन को नहीं बोलते, यानी अप्रिय वचन में दरिद्र है, यानी कभी किसी के प्रति कटु वचन प्रयुक्त नहीं करते। प्रिय वचनों के जो धनी है अर्थात सभी के प्रति अत्यंत ही मधुर और प्रिय वचन बोलते हैं, केवल अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहते हैं, पर दारा पर स्त्री में जिनकी दृष्टि नहीं होती, पर परिवाद निवृत ही, जो दूसरे की निंदा से पूर्णतया मुक्त होते हैं, कभी किसी की निंदा, किसी की अपयश, किसी की हानि वो कुछ नहीं ऐसा करते। क्वचित क्वचिन मंडिता वसुधा, ऐसी पृथ्वी कहीं कहीं पर, यानी बहुत ही कम अलंकृत होती है ऐसे सज्जनों से, ये सज्जन अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, और यहाँ पे आर्य छंद है और अनुप्रास अलंकार है, हमें दिख रहा है पर परिवाद क्वचिन क्वचिन, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और आर्य छंद है, जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं, मात्रिक छंद है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा द्वितीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद में आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे देखते हैं।